हेलो डियर किड्स एंड मोमीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश की वर्कशीट फॉर क्लास थर्ड और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन तो आज है इंग्लिश की वर्कशीट फॉर क्लास थर्ड तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स इन टू प्लूरल तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं जिसमें कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है उनको हमने प्लूरल में चेंज करना है तो देख लेते हैं द फेरी हेल्प द स्मॉल गर्ल तो इसमें हमने फेरी वर्ड को अंडरलाइन किया है तो हमने फेरी को प्लूरल में चेंज करना है तो तो फेरी को अगर हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट हमारा लेटर है वाई तो जब भी किसी लेटर में वाई होता है लास्ट में तो हम उसको चेंज करते हैं तो उसके लिए रूल क्या होता है वाई जो है वो आई ई एस में चेंज हो जाता है तो इसका हो जाएगा फेरी का एफ ए आई आर आई ई एस फेरीज हो जाएगा ये ऐसे ही अब सेकेंड है द पपी फेल इन टू द डिच तो यहाँ पर हमने दो वर्ड्स हैं पपी एंड सेकेंड है डिच इन दोनों को हमने अंडरलाइन किया है तो हम इन दोनों को प्लूरल में चेंज कर लेंगे तो पपी में वही हम देखेंगे अगर वाई लास्ट में है तो हम आई एस लगाकर इसको प्लूरल कर लेंगे तो ये बन जाएगा पपीज एंड जो हमारा सेकेंड वर्ड है डिच तो इसको प्लूरल बनाने का भी रूल है अगर जिस वर्ड में लास्ट में सी एच आता है तो हम उसको ई एस लगा करके प्लूरल बना लेते हैं तो डिच का हो जाएगा ditches। ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन है द फॉक्स चेज द डकलिंग तो यहां पर एक वर्ड है फॉक्स और सेकेंड है डकलिंग तो फॉक्स को अगर हम प्लूरल करेंगे तो ये बन जाएगा फॉक्सिस और सेकेंड वर्ड है डकलिंग तो डकलिंग को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम एस लगा करके प्लूरल बना लेंगे तो ये हो जाएगा डकलिंग्स ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेफ मेस्ट दटेटो तो यहां पर हमारा फर्स्ट वर्ड है शेफ एंड सेकेंड है पोटेटो शेफ को अगर हमने प्लूरल बनाना है तो हमारा क्या रूल होता है कि अगर कोई वर्ड एंड होता है एफ के साथ तो हम उसको वी ई एस लगा करके प्लूरल बना लेते हैं लेकिन शेफ एक ऐसा वर्ड है जिसको हम वी ई एस लगा करके नहीं बल्कि एस लगा करके प्लूरल करते हैं तो ये हो जाएगा शेफ्स ना कि हम इसमें लगाएंगे ई एस तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं तो इन क्वेश्चंस को आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और हमारा सेकंड है पटेटो तो पटेटो को हम क्या करते हैं जब भी किसी वर्ड के लास्ट में अगर ओ से वो एंड होता है तो उसको हम ई एस लगा करके प्लूरल बना लेते हैं तो देखते हैं तो पटेटो का हो गया पटेटोस इसको हमने लास्ट में ई एस लगा करके प्लूरल कर लिया है अब है क्वेश्चन नंबर टू मैच द सिनोनिम्स फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम बी तो यहां पर कॉलम ए है और कॉलम बी है तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराना है जिसमें हमने सिनोनिम वर्ड्स को दिया है तो देख लेते हैं सबसे पहले है बाय तो बाय का हम सिनोनिम देख लेते हैं क्या है बाय का सिनोनिम है परचेज तो हम परचेज को मैच कर लेंगे सेकेंड है ब्लैंक ब्लैंक का सिनोनिम होगा एम ऐसे ही नेक्स्ट है फनी तो फनी का सिनोनिम क्या हो जाएगा हिलेरियस एंड नेक्स्ट है लीव और लीव का सिनोनिम एग्जिट टैक्सी टैक्सी का सिनोनिम क्या हो जाएगा कैब तो गार्बेज को हमने मैच किया है ट्रेस तो गार्बेज का हो जाएगा ट्रेस नेक्स्ट है इन्फेंट इन्फेंट को हम मैच करेंगे बेबी के साथ इन्फेंट का सिनोनिम होता है बेबी नेक्स्ट है असिस्ट असिस्ट का मीनिंग होता है हेल्प वॉच तो वॉच का सिनोनिम हो जाएगा व्यू तो हम इसको इसके साथ मैच कर लेंगे नेक्स्ट है रिमेंबर तो रिमेंबर को हम क्या बोलते हैं रिकॉल रिमेंबर का सिनोनिम है रिकॉल तो ये तो थे कुछ सिनोनिम वर्ड्स जिनको हमने मैच करना था अब है क्वेश्चन नंबर थ्री ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज और बट सो एंड न हैज बिन डन फॉर यू तो ये क्या है कंजंक्शन है कंजंक्शन क्या होते हैं दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को एड करने का जो काम करते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं और कंजंक्शन को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को लिंक करने का या फिर जोड़ने का काम करता है तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है प्लीज डू नॉट सेट ऑन दिस चेयर एक सेंटेंस फिनिश इट इज ब्रोकन तो हमने इन दोनों सेंटेंसिस को एक सेंटेंस बनाना है विद्पन तो यहां पर क्या एड किया प्लीज डू नॉट से हमारा कंजंक्शन अब हम नेक्स्ट करते हैं रन फास्ट यू विल मिस दस तो देख लेते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शन मिले हैं बिकॉज और बर्ड सो एंड तो हम यहां पर और को सिलेक्ट करेंगे रन फास्ट और यू विल मिस दर्स नेक्स्ट है आई कैन ड्रॉप यू आई डोंट हैव अ कार तो हम कौन सा ऐसा वर्ड लेंगे जिनसे इन दोनों का मीनिंग भी कंप्लीट हो जाए और ये दोनों एक सेंटेंस बन जाए आई कैन ड्रॉप यू बिकॉज आई डोंट हैव अ कार तो यहां पर आ जाएगा बिकॉज नेक्स्ट है अनामिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल शी इज लेजी तो हमने कौन सा ऐसा कंजंक्शन चूज करना है जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए अनामिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल बट शी इज लेजी अब है नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग नाउंस इन टू बाय बाई यूजिंग ए एल तो हमने इन नाउंस में ए एल एड करना है और उन नाउन को हमने एडजेक्टिव में चेंज करना है तो देख लेते हैं सबसे पहला वर्ड है नेशन अगर हम नेशन में ए एल एड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है नेशन ए एल तो ये क्या बन गया नेशनल नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक में हम ए एल एड करें तो ये क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिकल तो ये जो वर्ड हमारे बन रहे हैं ये सारे एब्जेक्टिव हैं मैजिक मैजिकल ट्रेडिशन ट्रेडिशन में ए एल एड किया तो ये बन गया ट्रेडिशनल नेक्स्ट है पर्सन पर्सन अगर हम person में ए एल करेंगे तो ये बन जाएगा पर्सनल अब है आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन राइट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन तो यहाँ पर मैंने कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स दिए हैं जिनके लिए हमने एक अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है तो आइए देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं क्योंकि नाउन्स में कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन जैसे यहाँ पर ब्रेड है सूप है वॉटर है रेन फर्नीचर तो हम इन वर्ड्स को एक दो तीन एक रेन एक वॉटर एक सूप एक ब्रेड दो ब्रेड ऐसे हम लोग नहीं काउंट करते हैं इनके लिए कुछ वर्ड्स फिक्स होते हैं जिनको हमने इसमें यूज करना है तो आइए देखते हैं क्या है ये वर्ड्स और डैश ऑफ ब्रेड तो ब्रेड का जो हमारा एक पीस होता है उसको हम क्या बोलते हैं लोफ ऑफ ब्रेड तो एल ओ एफ लोफ अ लोफ ऑफ ब्रेड ऐसे ही नेक्स्ट है अ डैश ऑफ सूप तो ये क्या हो जाएगा अ बोल ऑफ सूप नेक्स्ट है अ डैश ऑफ वाटर तो हम एक वाटर टू वाटर नहीं बोलते हैं इनको हमने मेजर करने के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड है हमें तो अ ग्लास ऑफ वाटर नेक्स्ट है अ डैश ऑफ रेन अब एक रेन दो रेन नहीं होती है तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं अ ड्रॉप ऑफ रेन नेक्स्ट है अ डैश ऑफ फर्नीचर तो जैसे कि फर्नीचर है हम एक फर्नीचर दो फर्नीचर नहीं काउंट करते हैं तो फर्नीचर के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे पीस अ पीस ऑफ फर्नीचर ऐसे ही है नेक्स्ट अ डैश ऑफ राइस तो अ बैग ऑफ राइस नेक्स्ट है अ डैश ऑफ कॉफी तो कॉफ़ी के लिए हम क्या करते हैं यूज अ कप ऑफ कॉफी अ डैश ऑफ पिज्ज़ा तो पिज्जा का क्या होता है स्लाइस अ स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा अब हनी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं अ डैश ऑफ हनी अ स्पून ऑफ हनी नेक्स्ट है अ डैश ऑफ टूथपेस्ट तो टूथपेस्ट के लिए क्या हम यूज करेंगे अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट और ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट ये तो थी क्लास थर्ड के लिए इंग्लिश की वर्कशीट और आई होप की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अपने बच्चों के लिए हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन पर अच्छी लगी है अपने बच्चों के लिए हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू